हेलो एवरीवन, एक बात कहना था, ये बाद में बता रहा हूँ। तो ये एक लेनोवो का ब्रांडेड मदरबोर्ड है, ये 61 का बोर्ड है। तो ये नो डिस्प्ले के साथ है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, काम करेंगे। पर उससे पहले एक बात बताता हूँ, जो नया लोग हो, जो न्यू कमर्स, जो बिगिनर्स हो, काम सीख रहे हो, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आप जब भी मेरा कोई भी वीडियो आपको मिल रहा है, तो आप एक दो वीडियो देख के तुरंत टेलीग्राम कर रहे हो, या तो फ़ोन नंबर मांग रहे हो और कॉल कर रहे हो, या फिर टेलीग्राम में कंटिन्यूअसली टेक्स्ट कर रहे हो। तो मैं उन लोगों से भाई गुजारिश करता हूँ, टेलीग्राम मत किया करो। चैनल पे जितने सारे वीडियो है वो ध्यान से देखो, चाहे 1 महीना 2 महीना लग जाए आपका। आप, मैं फुल्ली नहीं कह सकता, पर आप जितना एक्सपर्ट हो उससे भी 50% ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे अगर सारा वीडियो आपने ध्यान से देख लिया। तो दो एक वीडियो देखा, डायरेक्टली चैट पे आ गया, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे भाई पॉसिबल नहीं होता है। करीब मेरा 150 से ज़्यादा पेंडिंग मैसेज जमा हुआ है टेलीग्राम पे, हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी। तो पहले होता था जब सब्सक्राइबर कम थे, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है सब्सक्राइबर, तो बहुत प्रेशर जा रहा है। काम, मेरा शॉप, मेरा बिजनेस, सब कुछ, मतलब ये सब करने के बाद रिप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ भाई सबसे, चैनल पे जो नए आए हो, सारा वीडियो देखो, चाहे आपका 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, दिन में चार पांच करके देख के 1 मंथ में ख़त्म करो, सारा देख लो। आपको फ़ोन या फिर टेलीग्राम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा वीडियो पाई टू पाई मैंने देख के रखा है। और चैनल पे बने रहो, मैं कंटिन्यू देते रहूँगा जब तक मैं हूँ, ठीक है? तो ये नो डिस्प्ले के केसेस है, केस स्टडी है, देखते हैं इसके ऊपर क्या काम किया जाता है। सिंपल सी कुछ चीज़ होगा, बोर्ड को मैंने इंस्पेक्शन कर लिया, मुझे एक जगह पे थोड़ा सा शक लगा, तो उसके बाद मैंने सोचा हाँ यहीं से जनरेट हो सकता है, तो बना रहा हूँ। अगर हुआ तो वीडियो मिलेगा, डायरेक्टली रॉ फुटेज ही मिलेगा। तो एक डिबग कट तो ये बोर्ड में काम नहीं करेगा असल में, तो यहीं पे लगा देता हूँ और बोर्ड को फिर ऐसे कर देता हूँ और नीचे ये डालता हूँ, ठीक है? अब देखो दिख रहा है सबको। और एक फैन फैन डालता हूँ, और ये लो पावर दिया, और ये पावर दिया, और देखो बिना रैम के एक बार चलाते हैं, ठीक है? ये देखो चला दिया बोर्ड, तो अभी जो बीप दे रहा है ये रैम का है, ठीक है? तो रैम लगाते हैं एक, तो ये मेरा रैम है, ये एसर का, ये बहुत अच्छा रैम है, हर बोर्ड पे सपोर्ट करता है ये रैम। ये रैम लगाता हूँ, ये रैम लगा दिया, अब फिर से एक बार हम चलाएंगे बोर्ड को। ये देखो चला दिया, डिबग कोड भी फॉलो कर सकते हो। और डिस्प्ले नहीं आएगा पर एक इरर बीप दे रहा है, देखो क्यों दे रहा है वो मैं बताता हूँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है। और USB भी डाल के रखता हूँ मैं, अभी भी कुछ बीप नहीं आया बोर्ड में, मतलब डिस्प्ले आउट होने का या फिर। ये देखो ये जो बीप आ रहा है ये एक बोर्ड का इरर कोड है, ठीक है? ऐसे टाइप के अगर को बीप आए आपका बोर्ड में, ये जो बोर्ड है अभी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखो ये USB मैंने डाला यहाँ पर और दिखाता हूँ, ये देखो कीबोर्ड पे है, आपका कोई भी लाइन नहीं है, और BGA पे भी नहीं आएगा, ठीक है? डिस्प्ले नहीं आएगा क्योंकि ये देखो ये जो एक इरर बीप है ये कंटिन्यूअसली दे रहा है। तो ऐसा अगर बीप करे, ब्रांडेड बोर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हो, ऐसा अगर बीप कर रहा है तो आपको क्या करना है, मैं सिंपली बताता हूँ। ये बीप कर रहा है, ये अगर ऐसा बीप करेगा तो डिस्प्ले कभी भी नहीं आएगा, ये जाहिर सी बात है। आपके पास अगर आए तो तब देख लेना, ठीक है? तो देखो ये ऑफ कर दिया। और एक चीज़, किसी किसी को लगेगा कि भाई रैम तो आपने चेंज नहीं किया, रैम का भी फॉल्टी हो सकता है, तो और एक जेन्युइन रैम लगाते हैं। ये एक जेन्युइन रैम है, ये भी अच्छा रैम है, 1333 FSD का, तो ये लगाते हैं। देखो इसमें भी कुछ सेम आएगा, ये ऑन कर दिया, बोर्ड चल रहा है, देखते हैं। अभी भी बीप दिया नहीं कुछ, ये देखो ये सेम कोड आ रहा है, सेम बीप आ रहा है, जो भी रैम लगाओ। और CPU का तो कोई इशू नहीं है, आप CPU चेंज करेंगे तो भी कोई काम नहीं बनेगा इसका,
तो अभी क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ये ऑफ कर देता हूँ और दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, जब भी आपके पास कोई भी बोर्ड आए तो जो भी बोर्ड हो आप फिज़िकल इंस्पेक्शन कर ले अच्छी तरह से, क्योंकि फिज़िकल इंस्पेक्शन करना बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ लोग हैं जो एबॉर्ट करते हैं इसे, बोर्ड में जो भी डास्ट है उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं बिंदास। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड जो है ये पीसीबी को क्लीन करना होता है, क्योंकि तो अभी मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होता है। तो कैमरा में देख लो, मैं माइक्रोस्कोप पे जा रहा हूँ, तो ये जो आईसी है, ये साउंड आईसी, ये हीट हो रहा है हल्का, मतलब थोड़ा सा हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं लिक्विड डालूँ वो मतलब उड़ जाए, ऐसा है, हीट नहीं हो रहा है, पर हल्का सा हीट हो रहा है। ये एक साउंड आईसी है तो हीट हो रहा था, ठीक है। तो अभी मैंने दिखाया नहीं हीट हो रहा था, तो अभी दिखाता हूँ मैं क्या कंडीशन है। और ये जो रैम है सर का, यही पर रखता हूँ, इसी रैम पे डिस्प्ले आएगा अगर बोर्ड रेडी हुआ तो। तो मैं दिखाता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है, एक सेकेंड, एक सेकेंड साथ में रह जाओ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसका क्या इशू है। क्लीन हो जा भाई, तो दिखाता हूँ ये देखो, ये है इसका इशू, क्लियर नहीं हो रहा, ये देखो। तो पीसीबी का हालत देख सकते हो आप क्या है, और ये जो है मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पर शॉर्टेड है, ठीक है। ये जो रस्ट के वजह से ये इस जगह पे शॉर्ट हुआ है, और ये जो कंपोनेंट वगैरह देख सकते हो आप कितना मतलब यहाँ पर रस्ट है, और ये आईसी थोड़ा बहुत हीट हो रहा है। तो मैंने पहले उंगली देके नहीं दिखाया, क्योंकि माइक्रोस्कोप पे दिखा दूँ सोचा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर पहले तो ये जो कंपोनेंट है इसे एक बार चेक कर लेंगे कोई भी शॉर्ट है कि नहीं, अगर नहीं है तो इसको क्लीन करेंगे, हीट अप करेंगे, उसके बाद एक बार चला के देखेंगे कि भाई क्या है, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देखेंगे। तो मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, इस टाइप के केसेस में अगर ऐसा बीप आए तो आप समझ जाओ आपका बोर्ड में छोटा मोटा कुछ शॉर्ट है, ठीक है। अगर शॉर्ट है तो ही ऐसा आएगा। तो मैं स्टैंड पे डाल लेता हूँ इसे, तो स्टैंड पे डाल दिया अभी। तो देखो ये है कहाँ गया, वो इस साइड में, तो ये कैमरा में यहाँ पर है, तो ये कैमरा में नहीं आएगा प्रॉपरली, कैमरा में जो है ये ब्लार क्यों हो रहा। अब देखो ये कैमरा में प्रॉपरली नहीं समझोगे आप कि यहाँ पर क्या हालत है। तो ये मैंने जब देखा, फिजिकल इंस्पेक्शन किया, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लगा कि भाई ये ऐसी थोड़ा सा हीट हो रहा है। तो ब्रांडेड बोर्ड में क्या है, छोटा मोटा अगर कुछ भी इशू मिले तो वो डिस्प्ले आउट नहीं होने देगा, तो कुछ ना कुछ इरोर बीप देगा, या फिर जो भी कुछ होगा इरोर कोड जनरेट हो सकता है। तो इसमें तो डिबग कार्ड काम नहीं करेगा, एलपीसी पोर्ट नहीं है, तो इरोर बीप भी जनरेट होगा, ठीक है। और तो अभी क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसको थोड़ा सा हम लिक्विड डाल के पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद करेंगे इसको ड्राई हीट, मतलब ड्राई हीट नहीं, कहाँ गया मेरा लिक्विड, मिल गया। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर लूँगा, ठीक है, देखते रहो। तो ये इतना रस्ट था यहाँ पर, तो मुझे लगा कि ये ऐसे हीट हो रहा है, मतलब यही से ही प्रॉब्लम जनरेटेड है। तो देखते हैं काम बनता है कि नहीं। तो एक सेकेंड, एसएमडी जो है मेरा वो अनप्लग था, मैं इसे प्लग इन कर लेता हूँ। हाँ हो गया, बस थोड़ा सा वेट कर जाओ, ये माइक्रोस्कोप को हटा देता हूँ, हटा दिया। अब क्या है, इसको थोड़ा सा हम ईटअप करेंगे, ये वाला पेज डाल के, ये वाला कहाँ गया, ये वाला इसमें काम करेगा अच्छे से। तो पहले थोड़ा सा हीटअप कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार क्लीन करके चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ जो एसएमडी में कैपेसिटर है वो शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, जो रस्ट वगैरह था वो क्लीन कर देता हूँ।
हो गया, तो अभी इसे थोड़ा सा क्लीन करेंगे हीट अप करने के बाद, फिर चेक करके देखेंगे कि भाई आईसी खराब हो गया कि रस्ट की वजह से हो रहा था, या फिर आईसी खराब भी हो सकता है। अगर आईसी खराब है तो इस केसेस में आईसी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्प्ले नहीं आएगा। ये ब्रांडेड मदरबोर्ड है, ठीक है, ये होता है। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी ये शॉर्ट मिल जाए तो ये प्रॉब्लम कर देता है, कोड मतलब साउंड जेनरेट कर देता है, ये जो बजर लगा हुआ है इस बोर्ड में उससे। तो इसका बायोस ऐसे ही प्रोग्राम किया है, बोर्ड में कहीं पे शॉर्ट मिले तो ये बीप करेगा, या फिर कोई केबल अनप्लग्ड है, जो और भी ब्रांडेड मदरबोर्ड है, SMPS अलग से आता है, वो जो डेल का है, ऑप्टिप्लेक्स का मदरबोर्ड है, उसमें तो कोई भी केबल अगर डिस्कनेक्टेड है तो भी आपका बीप जनरेट होता है, डिस्प्ले नहीं आता है। तो देखो हमने ये जो सरफेस है इसको क्लीन कर लिया, अब सिंपली जो है इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे कि कोई भी कैपेसिटर ये जो इतना था एक भी शॉर्ट है कि नहीं। 3.4, 3.4 ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्टेड नहीं है, पर 3.4, 3.4 तो ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी तो शॉर्ट यहाँ पर कुछ कंपोनेंट मुझे नहीं मिला है, शॉर्ट नहीं मिला है, तो हमने बस सिंपली इसको क्लीन किया और थोड़ा सा फ्लास्क डाल के इसको हीटअप किया। तो अभी देखेंगे ये काम बनता है कि नहीं, अगर नहीं बनता है तो फिर से देखेंगे ये जो आईसी है ये हीट हो रहा है कि नहीं। अगर आईसी हीट हो रहा है तो हम ये आईसी को बदल देंगे, ये आईसी अवेलेबल है, बहुत सारा ब्रांडेड बोर्ड पड़ा है, तो ये रियल टेक का ही है आईसी, मिल जाएगा, अवेलेबल है। तो अच्छे से हमने क्लीन कर दिया, देख सकते हो, ये देखो ब्लार हो रहा है। तो अभी कहाँ गया इसका ये, तो ये रैम मैं हटा देता हूँ, पहले बोला था ये जो एसर का रैम है यही लगाता हूँ, क्योंकि दोनों रैम में सेम देखा आप लोगों ने। तो अभी डिबग कट किधर बैठेगा, इधर, तो मतलब ऐसे सेटअप करना पड़ेगा। तो ये लगाया SMPS का सप्लाई, ये CPU का सप्लाई, ये है फैन, ये है फैन, लगा दिया। CPU भी वही है, हाँ मैंने CPU भी कुछ चेंज नहीं किया, वही है, देख सकते हो, चाहो तो फॉरवर्ड करके देख लो वीडियो, CPU वही है। और डिबग कार्ड एक लगाता हूँ यहाँ पर, और बोर्ड को इधर डाल देता हूँ, तो ऐसे रहे तो आसानी होगा देखने में। तो एक बार मैं इसको टिगर देके देखता हूँ, ठीक है, क्या होता है। और आईसी कहाँ है हमारा, ये वाला, तो अभी देखते हैं। आईसी हीट होना टोटली बंद हो चुका है, और डिस्प्ले आ चुका है इसका, जो बीप है अभी इरर बीप देखो नहीं आ रहा है, दो बार ओनली बीप दिया डिस्प्ले आउट का। और ये जो आईसी है ये मैं उंगली टच करके देख सकता हूँ, ये जो आईसी है ये अभी थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले ये हल्का हल्का सा हीट अप यहाँ पर हीट हो रहा था, तो अभी चला गया, मतलब लास्ट से ही ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा था। तो डिस्प्ले को एक बार देख लेते हैं, वीजीओ को लगा के, और यूएसबी भी लगाते हैं एक बार, एक सेकेंड, यूएसबी लगा दिया, वीजीओ पे मॉनिटर पे भी लगा देता हूँ, तो पहले देखूंगा यूएसबी, हाँ आ गया, ये देखो ये आ चुका है, और मॉनिटर पे भी आ चुका है। प्रेस एनी की टू बूट सिक्योर, ये देखो प्रेस एनी की टू बूट सिक्योर, ये देखो ये की प्रेस कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा आपको देखना है, इंस्पेक्शन करना है बोर्ड में क्या है, एक बार रिस्टार्ट करना है हमें। ये मैंने रिस्टार्ट कर दिया, हुआ नहीं, सॉरी, कहाँ गया इसका, हाँ रिस्टार्ट कर दिया, ये देखो चला गया लाइट, क्या ऑफ हो गया, रिस्टार्ट, हाँ रिस्टार्ट ही हुआ था। तो ऐसा कुछ है, पर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है, अभी बीप के साथ आएगा डिस्प्ले, देखो ये बीप नहीं दिया अभी भी। तो इरोर 1962, नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, प्लीज प्रेस एनी की टू सिक्योर बूट। तो देखो डिस्प्ले आ चुका है, कीबोर्ड पे भी देख सकते हो आप इजीली, आ चुका है, ये देखो आ चुका है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, अभी जो ये आईसी था ये हीट नहीं हो रहा है, एकदम बिल्कुल ठंडा है, मतलब नॉर्मल जितना होता है, हल्का सा हीट है, पर तब थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो देखो वीडियो अगर अच्छा लगे तो कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक करके जाओ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।